एक और सुहाना दिन इन नन्हे मुन्ने बच्चों के बबलू डब्लू पार्क में। आज क्या क्या मजेदार होने वाला है, चलिए देखते हैं हम सब। अरे वाह, ये तो एक बड़ी मौली है, इसे ही मैं ढूंढ रहा था। हाय मंगू। हेलो नीतू। मंगू तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ए निकू, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ? क्या ये चीज? हाँ? ये एप्पल बटर मेरे पापा ने बनाया है। हाँ? लेकिन एप्पल्स का मौसम भी नहीं है, एप्पल्स अभी तक हरे भरे और कच्चे हैं। हाँ वो तो है, मेरे पापा ने इन्हें पहाड़ी के दूसरी तरफ चलाया है। ये देखो, ये एप्पल्स बहुत जल्दी पक जाते हैं और खास हैं। वाह, ये तो मजेदार है। हाँ बिल्कुल, चलो मंगू खा कर देखो। शुक्रिया नीकू। ये कितना मीठा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा था ना, एक बार और शुक्रिया नीकू। मैं जाकर इन एप्पल्स को ढूंढता हूँ और एप्पल बटर बनाता हूँ। चलता हूँ नीकू। फिर मिलेंगे मंगू। क्या मैं पहुँच गया? एप्पल? ये बहुत खट्टे हैं, ये एप्पल अभी तक पके नहीं, ढूंढना पड़ेगा। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये भी नहीं। कोई भी एप्पल पके नहीं है। निको ने जो बताया था, वो पेड़ कहाँ पर है? हैं? अगर वो पेड़ नहीं मिला तो मैं एप्पल बटर कैसे बनाऊंगा? क्या बात है, शायद ये वही पेड़ है जिसके बारे में नीकू ने बताया था। चलो देखते हैं, एक दो तीन काफी होंगे। राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू, तुम्हारे हाथ में क्या है? घर पहुंचने पर पता चल जाएगा तुम्हें। राजकुमार लल्लू मुन्ना, मंगू तुम्हारे बास्केट में क्या है? इसमें और क्या हो सकता है, मूली ही रखी होगी। वो, ये मूली है। पर मेरे पास जो है उसकी तुलना नहीं हो सकती, देखना चाहोगे मेरे पास क्या है? अब दिखा भी दो ना। ये देखो, ये तो एप्पल है। ये जंगल का पका हुआ इकलौता एप्पल है और अब ये मेरा है। राजकुमार लल्लू तुम सबसे महान हो। राजकुमार लल्लू, मुझे नहीं लगता कि ये सही कलर है एप्पल का। मुझे लगता है कि ये एप्पल खराब हो गया है। बिल्कुल नहीं, ये एप्पल अच्छा और लाजवाब है। हाँ मंगू, ये लाजवाब है। मैं अभी खाकर साबित कर देता हूँ। मंगू, तुम्हें कैसे पता था ये खराब है? कैसे? आसान है, एक पका हुआ एप्पल ऐसे ही दिखता है। अरे वाह, मंगू तुम्हारे सेब स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या मैं इनमें से खा सकता हूँ? प्लीज मंगू प्लीज, हमें भी दो। मेरे ख्याल से दो एप्पल बहुत हैं। ठीक है, ये लो। मुन्ना ये देखो, ये बहुत टेस्टी लग रहा है। चलो दोस्तों, अब मुझे जाना होगा, बाय बाय। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मंगू। कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। कौन रो रहा है? बबली, क्या बात है? हेलो दोस्त। बबली तुम क्यों रो रही हो? मुझे घंटों लग गए नाशपाती को ढूंढने के लिए और अब वो
देखो मैं क्या लाया हूँ। एप्पल तुम्हारे लिए। क्या सच में? हाँ हाँ। वाह, ये बहुत सुंदर है। मंगू बताओ ना, तुम इसे कहाँ से लाए? मैं इसे जंगल से लाया हूँ, पहाड़ी के दूसरी ओर से। मैं एप्पल बटर बनाने वाला था। एप्पल बटर? मंगू, अगर मैं इसे ले लूं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही एप्पल बचेगा। तुम इसे वापस ले लो। नहीं, ठीक है, मैं एक एप्पल से बना लूंगा। सच में? थैंक यू मंगू। कोई बात नहीं बबली, जाओ अपना एप्पल पाय बना लो। बाय बाय। बड़े यहाँ क्या कर रहा है? ओए बड़े, बड़े संभाल कर। मैं बहुत डरा था। मैं ठीक हूँ, वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? पर ये एप्पल्स तो हरे हैं, तुम इनके साथ क्या करोगे? छोटे बीमार है, शायद उसे थोड़े फल खाने चाहिए, पर मुझे बस यही मिले हैं। वो बीमार है बेचारा छोटे। ओ बड़े, तुम्हें पता है निकू ने मुझे बताया था कि ताजे एप्पल पहाड़ी के उस पार मिलेंगे। चलो हम चलकर देखते हैं। बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। ओहा, चलो चलते हैं। ठीक है। ये जगह बहुत सुंदर है, क्या ये वही है? नहीं, वो अभी तक पक्के नहीं है। चलो इधर देखते हैं। बड़े इधर आओ, देखो वो इधर है। यही वो एप्पल का पेड़ है जो निकू ने बताया था। पर इनमें से तो कोई भी लाल नहीं है। हमें अच्छी तरह से देखना होगा। ठीक है। लाल एप्पल्स नहीं है, आखिर कहाँ होंगे वो? मंगू, क्या ये वही पेड़ है? इसमें तो कोई एप्पल नहीं है। अरे हाँ, मैंने अपने एप्पल्स तो यहीं से लिए थे, आखिर वो कहाँ चले गए? अजीब बात है, क्या कोई और आखिर ले गया उन्हें? मंगू देखो, यहाँ भी एक एप्पल का पेड़ है। देखो इसमें कितने बड़े एप्पल लगे हैं। पर ये सब तो हरे हैं। कोई बात नहीं, मैं खाता हूँ, क्या पता ये बहुत टेस्टी हो। क्या तुम ठीक हो? ये कड़वा है, मुझे हार मान लेनी चाहिए। मैं घर जा रहा हूँ। बड़े, मुझसे ज्यादा इसे इसकी जरूरत है। एप्पल बटर बाद में बनाऊंगा। बड़े रुको, बड़े क्या हुआ? ये लो। एक लाल एप्पल। मंगू तुम्हें ये कहाँ मिला? वैसे ये मैंने सुबह तोड़ा था, मैं एप्पल बटर बनाने की सोच रहा था। तो ये तुम्हारा है? चलेगा बड़े, मैं अगली बार बना लूंगा। उम्मीद करता हूँ छोटे जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, शुक्रिया मंगू, मैं अभी जाकर ये छोटे को खिलाता हूँ। बाय। आज तो मैं एप्पल बटर नहीं बना पाया, पर दोस्तों की मदद करके खुशी मिली। आज मूली ही खा लेता हूँ। ये तो बहुत बड़ा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये सब क्या लाए हो? मैं शहद लाया हूँ। मैं एप्पल पाई लाई। और मैं कुछ फल लाया हूँ। अरे वाह, क्या दावत है, बड़ी अच्छी खुशबू है। इतनी अच्छी दावत के लिए शुक्रिया दोस्तों। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए अपने से बांटने के लिए। मेरे पास एक आइडिया है, हमारे पास इतना सारा खाना है तो क्यों ना हम एक पिकनिक करें? हाँ, अच्छा आइडिया है। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, एक बात याद रखो, जब भी दोस्तों को मदद की जरूरत हो तो हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। अगली बार मिलते हैं, बाय। एक बहुत सुहाना दिन, और कोच डमरू बच्चों को कैंपिंग के लिए ले जा रहे हैं। बच्चों यहाँ आओ। मैं सबसे पहले आया। गुड मॉर्निंग, आज मैंने तय किया है कि हम सब एक छोटे से कैंपिंग ट्रिप पर जाएंगे। कैंपिंग?
कैंपिंग क्या होती है? कैंपिंग का मतलब है हम लोग घूमने जाएंगे और कुदरत की नई नई चीजों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम सब वहाँ एक प्रतियोगिता भी करेंगे। प्रतियोगिता और बहुत सारे खेल, और तुम सब नई चीजें सीखोगे। तो कौन कौन जाना चाहता है? एक बात याद रखना, ट्रिप के दौरान सब लोग अपना ध्यान रखना, अकेले दूर कहीं मत जाना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे बताना। देखो ये हमारी टीम का झंडा है, इसे लहराते ही लाइन में खड़े हो जाना। हम यहाँ से जाएंगे कल सुबह। ऐसा मत करो, तुम गीले और गंदे हो जाओगे। देखो बच्चों, आराम से और ध्यान से चलो, मेरे पीछे आओ, मैं दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, इस तरह से, समझ गए? बच्चों सावधानी से नीचे उतरना। बिल्कुल ठीक, इसी तरह। थैंक यू सर। संभल के नन्हे बच्चे, इनकी छलांग मत लगाओ। ठीक है। मुझे मुझे भी। सावधान रहना। बड़े, अब तुम्हारी बारी। चलो, बहुत बढ़िया। आओ चलो बच्चे। कैंपिंग मजेदार है। ठीक है बच्चों, हम अपनी कैंपिंग की जगह पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमें कुछ टेंट बनाने होंगे। पर ध्यान रखना, कुछ टहनियों में कांटे होते हैं जो तुम्हारे हाथों में चुभ सकते हैं। तो चलो मेरे पीछे आओ, हम कुछ टहनियां लेकर आते हैं। सबसे पहले हम एक ढांचा बनाएंगे और फिर उसे हम कवर कर देंगे। तो बच्चों जैसा मैं करता हूँ वैसा करो, ध्यान से देखना। मैं समझ गया। चले रुको, मेरा अभी तक नहीं हुआ। पोस्ट डमरू काम हो गया। बहुत अच्छा किया बच्चे। बड़े, मैं जानता हूँ तुम भी कर लोगे। टेंट जो प्रिंस के लिए फिट है। बहुत ही कमाल का। बड़े, क्या तुमने अभी तक बनाया नहीं? मेरा हो गया। ऐसे ही बना दिया? अच्छू। ओ, मेरा टेंट। मुझे माफ करना। बच्चों, क्या तुम जानते हो ये क्या चीज है? नहीं। ये एक जामुन है। ये थोड़ा मीठा और थोड़ा खट्टा होता है और बहुत पौष्टिक होता है। जाओ तुम भी कुछ ले आओ, लेकिन खाने से पहले मुझे जरूर दिखाना। ठीक है। चलो काम शुरू करो। ये लो एक, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। बड़े, तुमने खा लिया? अब तुम कैसे ढूंढोगे? छोटे, तुम्हारे पास तो तुम्हारी है ना, मैं तुम्हारे साथ जाकर जामुन इकट्ठी करूंगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी नहीं खाऊंगा। याद रखना कि जामुन गोल और नीले होते हैं। देखो कुछ गलत चीज मत ले आना। मुझे कुछ मिला है। उधर देखो, वहाँ उधर। वाह, ए छोटे, देखो कौन सबसे ज्यादा जामुन उठाता है। ठीक है छोटे, देखो मेरे पास कितने सारे। बड़े रुको, जरा सुनो तो, जरा ध्यान से देखो, इनका रंग लाल है। कोच डमरू ने हमें कहा था कि नीले जामुन ही लेने हैं, अगर लाल वाली नुकसानदायक हुई तो। समझ गया। ओहो, तो तुम सब वापस आ गए। बहुत अच्छे, तुम सब ने अच्छा काम किया। तुम लोग जो जामुन और दूसरे फल लाए हो, मैं उन्हें धोकर लाता हूँ। और अब तुम सब के लिए एक और काम है। अब तुम सब आसपास जाओ और ऐसी चीज ढूंढो जो ऐसी आवाज निकालती है। जब तुम वापस आओगे तो हम एक कॉन्सर्ट करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? छोटे, देखो वहाँ वो बादल कितने काले हैं।
क्या तुम्हें नहीं लगता बारिश होगी? चलो चले। बड़े कहाँ चला गया? ओ, ओ, ओ। वहाँ पर पेड़ है, जरा ध्यान से। छोटे छोटे, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें बचने वाली चीज मिली? मुझे मिला, देखो। बड़े, ये तो सिर्फ एक मेंढक है। अम्मू, देखो मैंने क्या ढूंढ के निकाला है। क्या ये एक झिंगुर है? पहले एक मेंढक और फिर ये एक झिंगुर। कितना सुरीला है ये। बहुत प्यारा है। नहीं निकू, ये तो एक पत्ता है, तुम ये कैसे बचा रहे हो? ये तो लाजवाब है। हाँ, ये पत्ता है, ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। क्या तुम हमें सिखा सकते हो? हाँ, हम भी सीखना चाहते हैं। मैं फिर से करता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है? ठीक है। चलो चलो राजकुमार, चलो, तुम कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। कम ऑन राजकुमार, चलो, तुम कर सकते हो। अरे ये पत्ता हटा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो बच्चों, क्या तुम सब तैयार हो? बढ़िया, तो इसी के साथ आज का कॉन्सर्ट शुरू करते हैं, तो हो जाए। अरे बच्चों, तुमने बहुत शानदार काम किया। रुको, इधर वापस आओ। वहीं पर रुक जाओ, बस पकड़ लिया मैंने। मेंढक रुको, रुक जाओ। रुको मिस्टर मेंढक, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मिस्टर मेंढक, तुम इस पत्ते को नहीं खा सकते। चलो इनका हौसला बढ़ाते हैं। म्यूजिक नहीं है, ये हमारे खाने का समय है, हमारे पास बहुत सारे फल हैं। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। लगता है बारिश हो रही है, चलो टेंट के अंदर चलते हैं। चलो चलो जल्दी करो, अंदर चलो। बहुत बढ़िया, अब ठीक है, तो चलो अब अपना खाना शुरू करते हैं। कितना टेस्टी है। मेरा तो हो गया, अब मैं सोऊंगा। देखो दोस्तों, इंद्रधनुष। तो बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमें कैंपिंग ट्रिप क्यों करनी चाहिए? मुझे पता है, क्योंकि हमें टेंट बनाना था। क्योंकि हम फल खा सकते हैं। क्योंकि हमें कॉन्सर्ट की जरूरत थी। तुम सबके जवाब सही हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना था कि तुम कुदरत के बारे में जानो और उस दुनिया के बारे में जिसमें तुम रहते हो। तो क्या तुम सब फिर से कैंपिंग करना चाहोगे? आपको क्या लगता है, क्या कैंपिंग में मजा नहीं? तो फिर अपने मम्मी डैडी के साथ घूमने जाओ और प्रकृति का मजा लो। कल फिर मिलेंगे।